कोरोना का कहर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आखिरकार भारत सरकार की पूरी एहतियात बरतने के बावजूद कोरोना वायरस दिल्ली में घुस ही आया। मंडे को डेडली कोरोना वायरस के भारत में 3 नए कन्फर्म्ड केस सामने आए हैं। एक शख्स दिल्ली का है, वहीं दूसरा सर्दर्न स्टेट ऑफ तेलंगाना से है। साथ ही राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी इटली की एक टूरिस्ट कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाई गई है। इन केसेस की जानकारी हमें हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। सभी को क्वारंटाइन में रखा गया है और हालत स्थिर बताई जा रही है। सभी पेशेंट्स की फॉरेन कंट्री से ट्रैवल हिस्ट्री है। सरकार के लिए चिंता का कारण ये सामने आए 3 पेशेंट्स नहीं, बल्कि इनके कॉन्टैक्ट में आने से बाकी कितने और लोगों को एक घातक वायरस हो गया होगा जो अभी तक सामने नहीं आए हैं। वो इटली की टूरिस्ट पिछले कुछ दिनों में बहुत से लोगों से मिली होगी। गाइस, दिस इज हाई टाइम कि हम कोरोना वायरस के बारे में अवेयर रहे, इसको इग्नोर ना करें। दिल्ली के शख्स ने पिछले महीने इटली में ट्रैवल किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इटली में चाइना और साउथ कोरिया के बाद कोरोना वायरस के संक्रमण के सबसे ज्यादा कंफर्म्ड केसेस हैं 2036 और 52 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कंफर्म केसेस का आंकड़ा 90,000 को पार कर चुका है और कुल 3,087 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में भी 6 लोग इस मिस्टीरियस और डेडली वायरस से मर चुके हैं। तेलंगाना के एक 24 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर में कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड होने की पुष्टि की गई है। वो इंजीनियर इंडिया की टॉप आईटी कंपनी का बताया जा रहा है और इंडियन सिलिकॉन वैली कहे जाने वाली सिटी बेंगलुरु में काम करता है। उसने पिछले महीने अपने ऑफिशियल काम से दुबई ट्रैवल किया था। उसने वहां हांगकांग के इंजीनियर्स के साथ मीटिंग की और वहीं से कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो गया। वो शख्स 19 या 20 फरवरी के आसपास वापस बेंगलुरु लौटा और फिर बस से बेंगलुरु से अपने घर तेलंगाना विजिट किया। सरकार अभी ट्रैक करने में लगी हुई है कि किन किन लोगों ने उस बस में उस शख्स के साथ ट्रैवल किया, क्योंकि ज्यादा चांसेस हैं कि बाकी लोग भी इस वायरस से संक्रमित हो गए होंगे। साथ ही खबर है कि इंदौर की एक 27 साल की महिला जिसने अभी इटली से ट्रैवल किया था, उनमें कोरोना वायरस के सिम्टम्स पाए गए। उनको भी इस टाइम क्वारंटाइन में रखा गया है और उनके सैंपल्स लिए जा चुके हैं और डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी हालत अभी स्टेबल है। गाइस, कोरोना वायरस पे लेटेस्ट और अपडेटेड न्यूज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देख लेते हैं कि कितनी रफ्तार पकड़ी हुई है इस वायरस ने। पहले ये वायरस चाइना तक सीमित था, लेकिन अब स्क्रीन पर दिखाए गए ग्राफ्स को देखिए। दिन भर दिन चाइना के बाहर कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। 9 फरवरी से ये ग्राफ ऊपर उठना शुरू हुआ और 19 फरवरी के बाद से लगातार तेजी से संख्या में वृद्धि देखने को मिल रही है। इस वायरस की चपेट में इस वक्त 60 से ज्यादा देश आ चुके हैं और अभी तक इनमें से लगभग 10 देशों में डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। अब इस वाले ग्राफ में आप देखिए कि सिर्फ एक ही दिन में चाइना से बाहर के देशों में कितने केसेस सामने आए हैं। अकेले 1 मार्च को ही 1775 केसेस रिपोर्ट हुए थे। इन ग्राफ के पैटर्न को देखे तो पता लगता है कि लगातार नंबर बढ़ ही रहे हैं। चाइना से बाहर कोरोना वायरस के कन्फर्म्ड केसेस को देखें तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट साउथ कोरिया, इटली, ईरान और जापान में देखने को मिला है। ईरान में 66, इटली में 52 और साउथ कोरिया में 28 कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई हैं। अब तो आपको यकीन आ गया होगा कि ये वायरस कितना घातक है और कितनी तेजी से फैल रहा है। भारत और भारतवासियों को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अब बात कर लेते हैं कि इंडिया क्या तैयारी कर रहा है इस वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए। इंडिया में इस समय 21 मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर 12 कंट्रीज जहां जहां इस वायरस का संक्रमण ज्यादा है वहां से आने वाले सभी पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग की जा रही है। साथ ही 12 बड़े सी पोर्ट्स और 65 छोटे पोर्ट्स पर भी स्क्रीनिंग की जा रही है। दिल्ली के साथ साथ देश के अन्य जगहों पर आइसोलेशन कैंप्स सेटअप किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस के सैंपल्स को टेस्ट करने की लैब्स बनाई जा रही है। पहले 10 से 15 लैब सेटअप करने का अंदाजा था, पर अब हेल्थ मिनिस्टर्स को इन लैब्स के अलावा 19 और लैब सेटअप करना सही लग रहा है, क्योंकि जितनी जल्दी केसेस आइडेंटिफाई हो पाएंगे उतनी जल्दी उन पर एक्शन लिया जा सकता है। यही एकमात्र है इस वायरस को काबू में करने का। इंडिया में केसेस का नंबर कभी भी बढ़ सकता है, इसको देखते हुए देश भर में सभी बड़े हॉस्पिटल्स में क्वारंटाइन की फैसिलिटीज बनाई जा रही है। अब देखते हैं कि क्या इंडिया में पैनिक की सिचुएशन है, क्योंकि ऑफिशियली अब कोविड-19 हमारे देश में दस्तक दे चुका है। तो जरूरत इस वक्त हमें पैनिक करने की नहीं, बल्कि एक्सट्रीमली केयरफुल रहने की है।
हेल्थ मिनिस्ट्री का ऐसा अंदेशा है कि ये केसेस अभी इंडिया में और भी बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक हमें इनके स्प्रेड का एक्सटेंट नहीं पता है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो इस वक्त इन्फेक्टेड हों पर अभी तक उनमें सिम्टम्स शो ना हुए हों। वी शुड बी अवेयर एंड नॉट टेक इट लाइटली। दोस्तों, आई विश कि आप अवेयर रहें और स्वस्थ रहें। ट्रस्टेड और वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।